आज का जो अपने टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स को थोड़ा सा मिला मिला के करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड विद दिस, ठीक है ना। बस पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के करीब है। बोल रहे हैं एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वैसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। तो सर ए बी सी क्या है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं आपसे बात करूं तो ए बी और सी, ए राइट एंगल ट्राइंगल है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जैसे इन्होंने ऐसा बोला ना, समझ में आ गया कि यहाँ पे एम मिड पॉइंट है, तो एम के मिड पॉइंट होने का अर्थात ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एक्स, एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब आपको बोला गया है लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट, लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट, मतलब उन्होंने बोला है कि भाई डीएम इस पैरेलल टू बी सी। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, मैंने बोला क्या मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद कर लूं क्या? सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या होता है? ये मिड पॉइंट ऑलरेडी है तो ये हो गया अपना अभिक्षेप, ठीक है ना। ये अगर पैरेलल है तो ये अपना क्या हो गया? अमिताभ। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये भी मिड पॉइंट ही होगा, ठीक है ना। तो पैरेलल भी है और अभिषेक भी है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डीएम इज पैरेलल टू डीएम, सॉरी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? बी सी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना सर। ये भी सही है सर, मतलब ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि एम डी परपेंडिकुलर टू क्या है ए सी। हमने बोला देखो वो तो पहले से थी, क्यों सर मुझे बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ डीएम पैरेलल टू बी सी, देन मुझे बोलना पड़ेगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ठीक इज इक्वल टू 90, क्योंकि वो एंगल्स कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 90। सर ठीक, अच्छा मैंने बोला हाँ एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। चलो सर ये भी अच्छा हो गया। व्हाट नेक्स्ट, कहने का अर्थात ये था कि अब उन्होंने बोला सी एम इज इक्वल टू एम ए प्रूफ करो। मैं देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए, लेकिन जो खुद अपने आप में एम ए है ना वो तो आधी ए भी है ही, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट। तो सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू कितना? आधी ए भी प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब इन ट्राइंगल ए एम डी, ए एम डी एंड ट्राइंगल कौन सा? डी एम सी। क्या हम बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी? इस वाले ट्राइंगल की ए डी इज इक्वल टू इसके डी सी। डी एम इज इक्वल टू कितना? डी एम। ये भी सही है सर। और एंगल अगर मैं बात करूं, डी एम इज इक्वल टू डी एम हो गया। और अगर अपन आगे की बात करें तो डीएम इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ गया? डी एम। अगर अपन आगे की बात करें क्योंकि अपने ट्राइंगल कौन सा लिया है? ए डी एम और डीएमसी ना, तो डीएम इज इक्वल टू डीएम, ए डी इज इक्वल टू कितना? डीसी।
अभी देखो एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल कौन से वाले। अगर एंगल बी थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा बी करस्पॉन्डिंग एंगल से, बाकी ना ऑटोमेटिकली जो सॉरी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी क्या हो गया तुम्हारे पास 90 डिग्री, उधर भी 90 इधर भी 90। एस ए एस एस ए एस तो ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम सी बाय व्हाट, एस ए एस बाय सी पी सी टी यू कैन से सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू आर। अच्छा क्वेश्चन था सर, मैंने बोला हाँ मुझे तो खैर लगा अगर आप। सर उसमें ऐसा बोला है शो डेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच। अभी क्वेश्चन इतना लल्लू है कि इसको बस समझने की देरी, और एक मिनट में क्वेश्चन सुन रहा, जिस बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आएगी ना वो ये चीज कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हम क्या है, इसके अंदर तो बस एक ही चीज है कि अगर वो एक चीज बस बोल दो तुमको मजा आ जाएगा। सर क्या कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है ले लो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल आप, और उसके अंदर के जो मिड पॉइंट है उसको पैरेललोग्राम प्रूफ। सर इसका मतलब क्या, समझो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चलो या आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी कुछ भी ले लिया, तो इसके मिड पॉइंट्स हैं। हाँ ऐसा इसके मिड पॉइंट्स हैं जो कि हैं पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस। सर ये भी सही, तो सर इसके लिए अब क्या आप चाहते हो, मैं बोला चाहता हूँ ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, हो गया आर, और ये क्या हो गया एस। सर आप चाहते क्या, बस पी क्यू आर एस को प्रोग्राम कर दो। तो सर ये तो अपन हमेशा से ही प्रूफ करते आए हैं ना, आप एसी ज्वाइन कर लो और आप वही एक जो अपना गाना है वो चलाओ, इन ट्राइंगल ए डी सी पी इज मिड ऑफ ए डी, क्यू इज मिड ऑफ सी डी, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फिर आप वही गाना फिर से बोलोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये नीचे वाला ए बी और सी, फिर से वही गाना गाएंगे अपन, कैसा एस इज मिड ऑफ कितना ए बी, एस इज मिड ऑफ ए बी, आर इज मिड ऑफ बी सी, सो कैन आई से एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो सर एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू कितना हाफ ऑफ ए सी, तो सर ये भी ठीक है, एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इज इक्वल टू कितना हाफ ऑफ। अब पता नहीं क्यों ऐसा कहने को आ रहा है कि भाई देख तू भी ए सी के पैरेलल, एस आर तू किसके पैरेलल, ए सी के पैरेलल, पी क्यू तू भी किसके पैरेलल, ए सी के पैरेलल, तो क्या तुम आपस में पैरेलल हो गए। हाँ तो फ्रॉम इक्वेशन, अगर इसको अपन टू बोले और इसको इक्वेशन क्या बोले वन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तो वो ऐसा बोल रहे हैं तू ए सी के पैरेलल तू भी ए सी की पैरेलल, तो तुम दोनों की ऐसी की तेसी, तुम दोनों आपस में भी क्या हो गए पैरेलल, पी क्यू पैरेलल टू क्या हो गया एस आर। सेकेंड तू भी आधी ए सी की इक्वल, तू भी आधी ए सी की इक्वल, तो फिर पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस आर। इसका मतलब पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम,
अभी सर इससे अपनी ऊपर की बात कैसे प्रूफ हुई? बस एक लाइन लिखते ना, इट मींस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, ये मिड पॉइंट जो ज्वाइन कर रहे हैं आपस में बाइसेक्ट करते होंगे, तो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो अपने को बस एक लाइन लिखनी है और बोलना है थैंक यू, क्या बोल के, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और एक अच्छा लिखना है ऐसा वी नो दैट, तो टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि वो भी जानती है कि, और समझ में आ जाएगा कि इनके कोचिंग वाले सर भी जानते हैं डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट, बट ठीक है, मतलब ये भी ठीक है। अभी सर अगला क्या है? तो सर आगे की अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक बात करें कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन काम का क्वेश्चन है कि अगर मैं लेके चलूं, इस प्रकार से है ABCD, इज अ पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम AF, उन्होंने बोला है F, E एंड F आर मिड पॉइंट्स, मतलब यहां पे उन्होंने F डाल दिया है, यहां पे उन्होंने कहीं E डाल दिया है, तो E एंड F आर व्हाट, मिड पॉइंट्स, E एंड F आर मिड पॉइंट, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है XX, और ये दोनों भी इक्वल है मतलब Y Y, क्योंकि वैसे तो XX ही हुआ क्योंकि अपोजिट साइड है, तो XX, तो पर आपको बोलना है कि यहां से एक लाइन बन रही है AF और यहां से एक लाइन CE which intersect them at E. अब आपको इसमें प्रूफ कुछ नहीं करना, आपको ये प्रूफ करना है कि P एंड Q ट्राइसेक्ट BD, E एंड Q ट्राइसेक्ट BD, इसका मतलब DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, मतलब इसमें कोई ऐसे बड़ी कैरिज्मेटिक कोई बात नहीं लगती, पूरी लगती। सर आप करोगे क्या? मैंने बोला देखो हम लोग सिस्टमेटिक चलने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या समझ सकते हैं, तो मैं एक तरफ आपसे ट्राइंगल लेना चाहूंगा, कौन सा अगर मैं बात करूं ट्राइंगल, और भी कुछ गिवन है उन्होंने, सबसे पहले तो ठीक है हाँ, इसको कर देंगे किसको, AEFC को, तो स्टेप वन हो जाएगा कि भाई AEFC को थोड़ा सा घूर के देखो, ऐसे आंखें फाड़ लो और ऐसे घूर के देखो, तो ये बोलेंगे इसको भाई कि भाई AE टू पैरेलल टू किससे, FC से, क्योंकि पूरी AB पैरेलल टू क्या है CD, तो तुम दोनों आपस में क्या रहोगे, पैरेलल तो रहोगे, फिर बोलो AE टू इक्वल टू क्या है FC, क्योंकि आधी AB is equal to आधी CD, आधी AB is equal to कितना, आधी CD, तो इसका मतलब AEFC parallelogram हो, तो सर अगर AEFC parallelogram हो गया तो हमको सबसे important बात मिल गई, AF is parallel to EC, AF is parallel to, आपको ध्यान देना पड़ेगा AF कहाँ पे, ये रहा ये AF है आपके पास, और आपको ध्यान देना पड़ेगा EC कहाँ पे, ये रहा EC, सर इसको parallel कर दिया ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो अगर अपन बात करें तो घूर के देखिएगा, इन ट्राइंगल QDC ये वाला ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल QDC, ट्राइंगल व्हाट, QDC, कैन वी से F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, क्वेश्चन में बोल कर रखा है F इज क्या मिड पॉइंट ऑफ DC, फिर क्या बोल सकते हो PF, ये रही PF, PF इज पैरेलल टू कितना, QC, सर क्यों बोल सकते हैं, अरे मैंने बोला पूरी AF और EC पैरेलल ना, ये तो पूरी लाइन ही पैरेलल ना, पैरेललोग्राम है तो पूरी AF पूरी EC से पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, वाओ यार सर, मतलब आपने एक तरफ बोल दिया ये अभिषेक है ये अमिताभ है, तो इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हो गई, बाकी ना सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि पी इज
मिड पॉइंट ऑफ पी डी क्यू, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू. सर ठीक है, अच्छी बात है. अगर मैं आगे की बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, अगर अपन लेके चले तो इन ट्राइंगल एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी. सर एपीबी के अनुसार हाँ बोल सकते हो, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, ई इज है ना, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ कितना वाला डी क्यू है ना, तो ये बोल दो डीपी इज इक्वल टू पी क्यू. DP, तो लिख दिया आपने. अब आप नीचे वाले ट्राइंगल में क्या करोगे, ES क्या है, मिड ऑफ क्या, AB, और EQ इज पैरेलल टू कितना, AP, इज पैरेलल टू कितना, AP. तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या बोल देंगे, Q कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ कितना, मिड पॉइंट थ्योरम. Q is midpoint of PB. Q is midpoint PB. Guys, PQ is equal to Q is equal to X. PQ is equal to QB is equal to. तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन बात कर ले और सिस्टमेटिक बात कर ले तो DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू, क्या ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, हाँ मतलब इक्वल हो गए तो ये भी x और ये भी x तो सब इक्वल ही हो गए ना, मतलब ये इसके इक्वल प्रूफ किया, फिर ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये हो गए इक्वल, तो ट्राइसेक्ट हो गए ना वो. सर क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो खैर बढ़िया ही था, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन की अपने आप में बढ़िया पार्ट है. तो सर ठीक है, सर अगर आपसे मैं इसी में थोड़ा सा लेके चलूं इम्पोर्टेंट पार्ट, कि कोई बच्चा बोल दे कि सर प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं. तो सर अगर मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है, प्रूफ दैट line joining the midpoints of line joining midpoints of any two sides of a triangle, then it is parallel to third side. And is half of it. It is parallel to third side. And is इसका अर्थात क्या बोलना चाहते हो? मैं इसका अर्थात ये बोलना चाहता हूँ कि वैसे बोल रहे हैं कि इसमें वो करना क्या है, आपको ये समझाना है कि समझो कि अगर ये पूरा ट्राइंगल है और मिड पॉइंट थ्योरम बोलना क्या चाहती है कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q, तो P is mid of कितना AB, Q is mid of AC, तो सर P mid है किसका, AB का, Q mid है किसका, AC का, मतलब ये x x है और ये क्या है y, तो प्रूफ करो क्या कि PQ parallel to BC है और PQ is equal to half BC. हमने बोला देखो थोड़ा सा construction, थोड़ा सा construction करेंगे. कैसा construction? कि इसको हम बोलेंगे भाई तू थोड़ा सा आगे निकल, extend PQ to let's say अपन E ले ले, extend PQ to E such that EC
इस यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू कितना क्यू इज इक्वल टू वॉट हुई तो एक्सटेंड एक्सटेंड अगर मैं लेके चलू एक्सटेंड पी क्यू टू ई एक्सटेंड पी क्यू टू कहीं ना कहीं ई सच दैट इज इक्वल टू कितना क्यू ई कंस्ट्रक्शन है ना ये हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन सर अब इसमें आप क्या बोलना चाहते हो मैंने बोला इन दोनों को अपन ने बी भी बोल दिया कि दोनों इक्वल है आपस में कंस्ट्रक्शन से अब स्टार्ट होता है इसका प्रूफ कैसे सर मैंने बोला देखना यार बहुत अच्छे से देख मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल वन और ये ट्रायंगल टू ले रहा हूँ सर इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या करोगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू ई सी इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ई सी ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू वन अच्छी बात है क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सर अभी तो अपन ने बनाया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ई क्यू इज इक्वल टू तो कंस्ट्रक्शन नहीं वो प्रूव नहीं होता चलो तो यहाँ पे एस ए एस एस ए एस तो ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QEC by SS what SAS ठीक है अच्छी बात है कहीं ना कहीं तो by CPCT क्या हो जाएगा by CPCT जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो होगा भाई AP is equal to EC और सर AP equal to EC equal to कितना X तो AP is equal to EC is equal to second अपन बोल देंगे यहाँ से angle one equal to यहाँ से angle तो angle one is equal to angle two क्योंकि CPCT only ठीक है ना तो यहाँ का angle one equal to यहाँ का angle two यहाँ बोल सकते हो यहाँ का angle P is equal to यहाँ का angle E ठीक है ना अब अगर angle one और angle two जो कि आँख मारने वाले angles हैं दोस्त angle one और एंगल टू जो कि आंख मारने वाले एंगल से अगर वो इक्वल हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई अगर वो इक्वल है इसका अर्थात क्या होगा इसका इसका मतलब पी बी इज पैरेलल टू के पी बी इज पैरेलल टू व्हाट अगर अपन बात करें पी बी पैरेलल टू क्या हो गई आप पी भी बोलो या पूरी ए भी बोल दो तो पैरेलल आप पूरी ए भी बोल दो ना कि पूरी ए भी जो थी वो पैरेलल टू क्या हो गई ईसी ये दोस्तों तो अगर अपन बात करें तो जो तुम्हारी पूरी ए भी थी ए भी पैरेलल टू क्या हो गई ईसी अब आएगा मजा क्योंकि अब आपको फोकस करना है बहुत ज्यादा इन फिगर PBEC पता नहीं क्यों मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल सकता हूँ PB is parallel to EC अरे सर ये रही PB और ये रही क्या EC अभी तो आपने लिखा कि पूरी लाइन पैरेलल है फिर क्या बोल सकता हूँ PB is equal to EC क्योंकि दोनों क्या है X तो PB is equal to EC is equal to कितना X तो सर ये भी सही है PB equal to क्या हो गया क्योंकि देखो ना ये भी x है और ये भी x है क्यों x आई थी क्योंकि ये इसकी इक्वल थी तो ये x थी तो ये x थी फिर ये भी x थी तो इसका मतलब p b e c क्या बन चुका है अगर p b e c पैरेललोग्राम है तो अगर ये पूरा p b e c अगर मैं आपको चमत्कारी फिगर बनाऊं मतलब थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा शेड करें शेड करें तो अगर अपन बात करें ये देखिए चमत्कारी
अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, पी बी ई सी हो गई ये पैरेललोग्राम। अब अगर इस पूरे फिगर में देखें तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब पी क्यू जो हुआ वो पैरेलल टू कितना हो गया बी सी, जो मेरा पहला पार्ट था। हाँ सर, पी क्यू पैरेलल टू आपने क्या बोल दिया, बी सी प्रूफ करना था ना मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ यार सर, पी क्यू पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना था। सेकंड सेकंड अगर तुम मुझे अलाउ करो तो क्या मैं बोल सकता हूँ पूरी पीई, पूरी पीई इज इक्वल टू कितना बी सी। सर पीई के बी सी के इक्वल होने से क्या हुआ, तो पीई का मतलब देखो सर, पीई का मतलब है बी प्लस बी, क्या बोल दू पी क्यू प्लस फिर से पी क्यू भाई, क्यू ही है लेकिन क्यू ही किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो आप चाहो तो पीई को आप बोल सकते हो क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो आप इसको बोल सकते हो पी क्यू प्लस पी क्यू ही, क्योंकि क्यू ही भी क्या है पी, तो पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना बी सी। टू पी क्यू इज इक्वल टू कितना बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू कितना हाफ बी सी। मजेदार चीज, तो मजा आ गया। एक बार चेक करो, L, M और N are three parallel lines. L, M, N are three parallel lines. So show that intersect by a transversal. Intersect by two transversal P and Q. तो ऐसा बोलना चाहते हैं, देखो L L, M और N, तो बोले इनको दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, एक समझो P और दूसरी समझो Q, कुछ भी मान सकते हैं ट्रांसवर्सल तो यही होती है। इंटरसेक्ट बाय द टू ट्रांसवर्सल P एंड Q, शो दैट Both transversal cut equal intercepts on the lines. वी सर इसका अर्थात मैंने बोला देखो इसका इंटरसेप्ट मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं सी डी, इसको मान लेते हैं अपन या ई, वो बोल रहे हैं कि भाई आप ये प्रूफ कर दो कि जो ए सी है और ई सी है, मतलब ए सी और बी डी इक्वल है और ई सी और बी एफ इक्वल है, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट, कितने का करा है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब ऐसा कोई वो तो है नहीं। तो अगर अपन बात करें कि अच्छा इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट, बाय एल एम एन एन सच दैट इट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन ए बी एंड बी सी, मतलब इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन ये बोलना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब जो ये ए सी और सी ई है ये इक्वल इंटरसेप्ट है, अगर ये एक्स एक्स है तो उनका कहने का मतलब प्रूफ करो कि वो भी एक्स एक्स होंगे। मैंने बोला ठीक है, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके लिए मैं एक चीज करना चाहूंगा कि मैं यहाँ से इसको लाइन को ज्वाइन कर, वो जो लाइन होगी ना वो ए एफ जाएगी। उन्होंने बोला एक तरफ अगर उसने इक्वल इंटरसेप्ट काटे, मतलब अगर इधर एक्स और फिर से कितना काटा है एक्स, तो उस तरफ भी एक्स और एक्स ही काटेगी। हमने बोला देखो समझो, और इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब नहीं एग्जैक्टली एक्स एक्स, मतलब एक्स एक्स काटेगा कि रेशियो सेम होगा, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा सेम। तो मैंने बोला इसको नाम दे देता हूँ मैं कितना, लेट्स से जी। तो ऐसे एक ट्राइंगल दिखने लग गया मुझे, सर कौन सा ट्राइंगल, मैंने बोला मुझे ट्राइंगल दिखने लग गया इन ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई और एफ, ए ई एफ सर सही। अब आगे करना है, अगर ट्राइंगल दिख गया आपको ए ई एफ, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे
कि बोलेंगे सी इज मिड ऑफ ए एंड सी जी, भाई सी तो क्या हो गया, मिड हो गया ना एई का, ए ई का सी क्या हो गया मिड, और सी जी इज पैरेलल टू कितना ई एफ, तो सर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ई इज मिड ऑफ, इसका मतलब ए जी इज इक्वल टू कितना, ओए होए, अगर ए जी और जी एफ इक्वल हो गए तो मैं उल्टा ट्रायंगल लूंगा सर, कैसा ट्रायंगल उल्टा, ए बी एफ, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा तो मैंने बोला मैं बता देता हूँ यार, पूछो तो सही, तो ये रहा आपका ए बी एफ, ठीक उल्टा देखने की कोशिश करोगे मजा है अपना, इन ट्रायंगल व्हाट ए बी एफ, ए बी एन वी से जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, सर अभी तो प्रूफ करा, बोला हाँ यार अभी तो प्रूफ करा, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, और जी बी या बी जी ठीक है डी, सॉरी डी, तो डी जी इज पैरेलल टू कितना ए बी, तो सर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं डी इज मिड ऑफ बी ए, डी इज मिड ऑफ बी ए, अगर डी मिड ऑफ क्या हो गया बी एफ, तो बी डी इज इक्वल टू, सर क्या यही प्रूफ करना था, हाँ यार दोस्तों यही प्रूफ, देख लो समझ